अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं क्रॉस ब्रिज साइकिल के बारे में। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास थिन फिलामेंट्स होती हैं उनके पास तीन तरह के प्रोटीन होते हैं। नंबर वन पे एक्टिन प्रोटीन होता है, नंबर टू पे ट्रोपोमाइसिन होता है, नंबर थ्री पे ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक्टिन प्रोटीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बना था। इसके अंदर ये ट्रोपोमाइसिन है और यहाँ पर ट्रोपोनिन है। हमने क्या कहा था कि अभी जब तक कैल्शियम आयंस इसके साथ अटैच नहीं होंगे तो मायोसिन को वो साइट नहीं मिलेगी जो वो इसके साथ क्या हो सके, अटैच हो सके और थिन फिलामेंट्स को क्या कर सके, स्लाइड कर सके, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन के साथ अटैच नहीं हुआ। क्यों? हमने कहा था ट्रोपोनिन के पास तीन पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक के साथ वो एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच होगा, दूसरे के में वो ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होगा और तीसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो अटैच होगा कैल्शियम आयन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि ये हमारे पास थिक फिलामेंट के मायोसिन प्रोटीन है पड़ी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक उसकी टेल होगी और साथ ऊपर उसके दो हेड होंगे जो अटैच होंगे इसके साथ, जो थिन फिलामेंट्स को क्या कर रहे होंगे, थिन फिलामेंट्स को वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक्टिन प्रोटीन एक हो गई, दूसरी हमने देखी थिन फिलामेंट में ट्रोपोमायसिन और तीसरी हमने देखी ट्रोपोनिन, ये कैल्शियम आयन उसके पास आ गया। अब ये कैल्शियम आयन जब ट्रोपोमाइसिन मायोसिन हेड अभी तक इसके पास कोई साइट मौजूद नहीं है अटैच होने के लिए, अब ये कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन के ऊपर जाके जब अटैच होगा तो मायोसिन के पास एक साइट मिल जाएगी जो वो यहाँ आके क्या कर देगा, अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा मसल्स है पड़ा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमने इस तरह देखा था कि इस तरह हमारे पास थिन फिलामेंट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक थिक फिलामेंट होगा, ठीक है। जब अभी मायोसिन इसके साथ अटैच नहीं है तो कंडीशन ये है, जब मायोसिन इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, इधर से इसको स्लाइड कर देगा, इधर से इसको स्लाइड कर देगा, तो जिसकी वजह से ये हमने देखा कि जो हमारा मसल है पड़ा वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हो गया। अब मसल तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन आ गई, ठीक है। अब आगे क्या काम होता है, आगे ये काम होता है कि उसे रिलैक्स करना है, यानी कि अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है ताकि ये जो मायोसिन हेड इसके साथ जो अटैच हैं पड़े, ये मायोसिन हेड को अब डी अटैच करना है। अब एटीपी क्या होगी, एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से ये एडीपी प्लस एक फास्फेट ग्रुप होगा, ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइज हो जाएगी, ये एनर्जी यूज़ होगी, तो जिस वजह से ये मायोसिन हेड यहाँ से क्या हो जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे। जब डी अटैच हो जाएंगे तो मसल्स हमारा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। यही साइकिल बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, जिसकी वजह से मसल्स क्या होता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं पड़े। तो ये हमारे पास था क्रॉस ब्रिज साइकिल, ठीक है, ये एक फिनोमेना था जिसे मैंने डिटेल के साथ आपको समझा दिया है। तमाम लेक्चर्स यूट्यूब चैनल्स पे अपलोडेड हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लेक्चर को गौर से सुन लें।